उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुभड़ गांव में नुनू बाबा दोपहर में प्रांगण में पंडित अविनाश पांडे की प्रेरणा से समाज सेवी राकेश कुमार सिंह ने ब्राह्मण पूजन के साथ कन्यादान का कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही जनमानस के लिए राकेश सिंह प्रेरणा स्रोत बने। इस अवसर पर समाज सेवी राकेश कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास के साथ अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना की और ईश्वर दुर्वासा के सम्मान में अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने गांव दुभड़ को रसड़ा विधायक उमर शंकर सिंह जैसे चमकाए हैं, उसी तरह से हम अपने दुभड़ गांव को भी बलिया के मानस पटल पर अभी उसी तरह चमकाएंगे। संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। के लिए कामना करते हैं तो क्यों ना हम लोग भी सामाजिक तौर पर उनके कार्य को जनता के बीच लेकर जाएं और उनको सम्मान दें, उनका जो भी योगदान है समाज में उसके, तो बस उसी प्रयास में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इस तरह कार्यक्रम पूर्व में कितनी बार हुआ है? देखिए, ब्राह्मण सम्मान समारोह की तो अगर बात करें तो मेरे जानकारी में तो हमारे ज़िले या हमारे प्रदेश में शायद ही कभी किसी ने किया हो, तो मुझे खुशी है कि हमने पहली बार इस तरह का कुछ निर्णय लिया और प्रयास किया और जनता की जो प्रतिक्रिया थी बहुत अच्छी रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के और भव्य स्तर पे इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। मतलब ये कार्यक्रम लगातार आप चलाते रहेंगे? देखिए, लगातार चलाने की बात मैं नहीं जानता हूं कि चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगले वर्ष दुर्वासा ऋषि का मूर्ति स्थापित करने का विचार है और उस दिन इस कार्यक्रम को भव्य स्तर पर हम लोग करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके बाद जनता की जो भी प्रतिक्रिया होगी उसके आगे हम निर्णय लेंगे। उनकी बेटियों का कन्यादान का कार्य करते हैं। इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज को बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से अगर कुछ बचा सकते हैं तो बचाइए, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, उनका हाथ पकड़ के चलना ये समाज का कार्य होना चाहिए। लेकिन ये आपके मन में विचार कैसा आया कि गरीब लड़कियों का शादी कराना एक नेक काम है? देखिए, अब ये तो हिंदू धर्म में हर कोई जानता है कि जो कन्या होती है उसको देवी का रूप माना जाता है, और अगर जो देवी हैं उनका अगर कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई पीछे हटना चाहेगा, पर ये ज़रूर है कि ईश्वर सबको ये मौका नहीं देते हैं और मैं बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद। अभी तक कितने कार्यक्रम करा चुके हैं सामूहिक विवाह का? देखिए, अब कुल अंदाज़ा अभी मैं तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन लगभग 2016 से हमने शुरू किया था और अभी तक, अब तो ये गिनना पड़ेगा कितने लड़कियों का कन्यादान हमने किया है। 2016 से आपने शुरुआत किया? हाँ, 2016 से हमने ये शुरुआत किया जी। इसका फंड आपकी सरकार से सहयोग लेते हैं या अपने निजी से करते हैं? नहीं नहीं, अपनी निजी से, जो कमाते हैं उसमें से 2 रुपया अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए चलाते हैं और जो 2 रुपया बचता है वो समाज के भलाई के लिए खर्च करते हैं जी। कन्यादान जैसे कहा जाता है एक महादान है, तो आज कितने संख्या में कितने लोगों को आप कन्यादान करने वाले हैं? देखिए, आज जो है ये दरअसल कोई सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम नहीं आयोजित था, एक कन्या है जो कि मतलब पैर से विकलांग है और बहुत ही मजबूरी में परिवार था, इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनका जो विवाह है वो संपन्न करा दें, तो उसी सिलसिले में उस बेटी का आज कन्यादान हमें करना है। जी, आगे भी कार्य करेंगे? जी, आगे कई सारे ऐसे कार्य हैं जो करने हैं। अभी मैं आपको आगे की बात बताऊं तो जैसे फरवरी आने वाला है तो रविदास जयंती के दिन जितने भी रथ यात्री हमारे क्षेत्र के निकलते हैं, चाहे पिपरा हो, छोटका दुभड़ हो, घुड़ाहरा हो, अब दुभड़ हो, इन सब का नाश्ता पानी का व्यवस्था कराना, इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं। और इस वर्ष जो आने वाला रविदास पूजा है इसमें उम्मीद है कि रामपुर टिटी से भी लोग हमारे तरफ आएंगे, तो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा आने वाले अप्रैल, मई, जून में भी कई कन्याओं का विवाह तय हो रखा है, तो अभी तो मतलब गिनती नहीं गिन सकते हैं कि कितनी बेटियों का कन्यादान करने के लिए है, लेकिन माता रानी की सब कृपा है और ऐसे ही हम लोग जनता के आशीर्वाद से चलते जा रहे हैं। कुछ जनता को आपने वादा भी किया मूर्ति अनावरण का, उसके बारे में क्या कहना? जी देखिए, जनता को हमने अपने दुभड़ के जनता को संत रविदास जी का मंदिर निर्माण की। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन